हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं इंश्योरेंस अवेयरनेस एमसीक्यू का लेक्चर नंबर 11। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पर आप क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पे आपको इसका प्रीवियस पार्ट मिल जाएगा। एंड इस लेक्चर की पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। सो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे। पहला यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, एक्सपेक्टेड लॉस रेशियो दैट इज ईएलआर मेथड इज अ टेक्निक यूज्ड टू डिटरमाइन द प्रोजेक्टेड अमाउंट ऑफ डैश रिलेटिव टू अर्न्ड प्रीमियम्स। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका क्या है, दैट इज इस टर्म को हम बोलते हैं इंश्योरेंस क्लेम। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नाउ नेक्स्ट इज, व्हाट इज द मिनिमम एन्युटी पेएबल इन सरल पेंशन पर मंथ। सो जो सरल पेंशन आपकी योजना है, ठीक है, उसमें यहाँ पे पूछा गया है मिनिमम एन्युटी क्या है आपकी पर मंथ जो आप पे करते हो। तो आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 1000। अगर हम जो है क्वार्टर की बात करें, क्वार्टरली अगर पेमेंट जाती है या प्रीमियम जाता है, तो इन दैट केस आपका जो प्रीमियम होगा वो होगा 3000, ठीक है, फॉर द क्वार्टर। वेरियस हाफ ईयरली के ये जो अमाउंट है वो आ गया आपकी 6000 फॉर हाफ ईयरली, ठीक है। एंड अगर आप जो है पर ईयर इसे पे करते हो तो यहाँ पे आपका जो प्रीमियम है वो हो जाएगा 12000 का, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। अगर हम यहाँ पे एंट्री एज की बात करें तो एंट्री एज इसकी 40 ईयर्स है, मिनिमम 40 ईयर्स, ठीक है। एंड मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम यहाँ पे जो है एज आपकी ये है 80 ईयर्स की। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द इंश्योरेंस कंपनी दैट पार्टनर्ड विद कॉमन सर्विस सेंटर CSC अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टू इंक्रीज अवेयरनेस ऑफ अ हेल्थ इंश्योरेंस टू द रूरल इंडिया। सो करेक्ट आंसर आपका है, ये इंश्योरेंस कंपनी है स्टार हेल्थ एलाइड इंश्योरेंस, ठीक है। कौन सी कंपनी है, स्टार हेल्थ एलाइड इंश्योरेंस, जिसके एस्टैब्लिशमेंट ईयर जो है वो है 2006। 2006 में इसे एस्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड है चेन्नई में। एंड इसके जो सीईओ है इनका नाम क्या है, वी जगन्नाथन। क्या नाम है, वी जगन्नाथन। फाइन, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है, विच एग्री स्टार्टअप पार्टनर्ड विद SBI जनरल इंश्योरेंस एंड फ्यूचर जनरली इंडिया इंश्योरेंस कंपनी फॉर इंश्योरेंस सॉल्यूशन। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है, इस फॉर्म का नाम है nature.farm, ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पे SBI जनरल इंश्योरेंस की डिटेल देख लेते हैं। इसका जो आपका हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे लोकेटेड है, ये आपका लोकेटेड है मुंबई में। एंड जो आपका फ्यूचर जनरली इंडिया इंश्योरेंस कंपनी है, इसका भी हेडक्वार्टर आपका कहाँ पे लोकेटेड है, ये दोनों ही आपके हैं मुंबई में, ठीक है। अगर सीईओ की बात करें तो SBI जनरल इंश्योरेंस के जो सीईओ है इनका नाम है किशोर कुमार पोलुदासु, ठीक है। वेरियस जो आपके सीईओ हैं फ्यूचर जनरली इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के, इनका जो आपका एमडी एंड सीईओ है, ठीक है, एमडी एंड सीईओ, इनका नाम क्या है, अनुप राव, ठीक है। नेक्स्ट इज, कंसिडरिंग इंश्योरिंग एंड ऑयल रिफाइनरी इज एग्जाम्पल ऑफ डैश। सो पहला आपका ऑप्शन क्या है, डोंट रिस्क मोर देन यू कैन अफोर्ड टू लूज, डोंट रिस्क अ लॉट फॉर अ लिटिल, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका क्या है, ऑप्शन नंबर ए, डोंट रिस्क मोर देन यू कैन अफोर्ड टू लूज, राइट। नाउ नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी जो है वो ट्रू है फॉर द इंश्योरेंस। पहले आपका स्टेटमेंट क्या है, इंश्योरेंस इज अ मेथड ऑफ शेयरिंग द लूजेस ऑफ अ फ्यू बाय मैनी। नेक्स्ट इज, इंश्योरेंस इज अ मेथड ऑफ ट्रांसफरिंग द रिस्क ऑफ एन इंडिविजुअल टू अनदर इंडिविजुअल। इंश्योरेंस इज अ मेथड ऑफ शेयरिंग द लॉसेस ऑफ मैनी बाय अ फ्यू। नेक्स्ट इज, इंश्योरेंस इज अ मेथड ऑफ ट्रांसफरिंग द गेन्स ऑफ अ फ्यू टू द मैनी। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर ए, इंश्योरेंस इज अ मेथड ऑफ शेयरिंग द लूजेस ऑफ अ फ्यू बाय मैनी। फाइन, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच जनरल इंश्योरेंस कंपनी लॉन्च पे एज यू ड्राइव एड ऑन कवर फॉर मोटर इंश्योरेंस OD पॉलिसीज। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है, इसे लॉन्च किया था आपका गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस ने, ठीक है। कौन सी कंपनी थी, गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस, जिसका आपका हेडक्वार्टर जो है वो लोकेटेड है बेंगलुरु में, ठीक है, कहाँ पे है, बेंगलुरु में। एंड इसके सीईओ कौन है एट प्रेजेंट, इनका नाम है जसलीन कोहली, ठीक है, क्या नाम है, जसलीन कोहली। और एस्टैब्लिशमेंट ईयर की अगर बात करें तो एस्टैब्लिशमेंट ईयर आपका है 2016। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है, इन जुलाई 2022 सिटी यूनियन बैंक फॉर्म बैंक अश्योरेंस पार्टनरशिप विद विच ऑफ द फॉलोइंग इंश्योरेंस कंपनीज। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये सारी ही जो इंश्योरेंस कंपनी है इनके साथ बैंक अश्योरेंस पार्टनरशिप की गई थी सिटी यूनियन बैंक के द्वारा इन जुलाई 2022, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ द। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया रिड्यूस इट्स स्टेक बाय -% इन सन
फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो यहाँ पे इन्होंने जो है 2% स्टेक अपने डाइल्यूट किए थे, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। पहले यहाँ पे 7.024% के इनके स्टेक हुआ करते थे, अब ये रिड्यूस होके 5.024 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच इंश्योरेंस कंपनी इंट्रोड्यूस इमर्जिंग अपॉर्चुनिटी फंड विद यूलिप, दैट इज यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। सो करेक्ट आंसर आपका क्या है, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस। इसकी शुरुआत जो है वो की गई थी 2001 में। ठीक है, हेडक्वार्टर की बात करें तो ये लोकेटेड है आपका मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, अब इसके सीईओ कौन है, सीईओ इनके हैं नवीन नवीन ताहिल यानी। क्या नाम है इनका, नवीन ताहिल यानी। नाउ नेक्स्ट इज एन इंश्योरेंस कंपनी नीड्स फ्री असेट फॉर, सो इंश्योरेंस कंपनी को फ्री असेट चाहिए होते हैं, आपके ऑप्शंस क्या है, फाइनेंसिंग न्यू बिजनेस, जनरेटिंग मोर कॉम्पिटेटिव रिटर्न्स, नेक्स्ट इज ग्रेटर लेवरेज इन इन्वेस्टमेंट, या ऑल ऑफ द अबव। सो करेक्ट आंसर आपका क्या है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव, राइट। नाउ नेक्स्ट इज बॉम्बे म्यूचुअल लाइफ एश्योरेंस सोसाइटी द फर्स्ट इंडियन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी स्टार्टेड इट्स बिजनेस इन डैश। सो कौन से ईयर में जो है इसकी शुरुआत की गई थी, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1870 में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज विच हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी रिसेंटली इन डिसम्बर साइन एंड पैक्ट विद स्वरा फिनकेयर लिमिटेड टू पे डेप्टर्स EMIs व्हेन दे आर हॉस्पिटलाइज फॉर 5 days। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है, इस कंपनी का नाम है नीवा भूपा हेल्थ इंश्योरेंस। ठीक है, कौन सी कंपनी है, नीवा भूपा हेल्थ इंश्योरेंस, जिसका पुराना नाम क्या है, मैक्स हेल्थ इंश्योरेंस। ठीक है, मैक्स भूपा हेल्थ इंश्योरेंस। अब यहाँ पे इसकी शुरुआत कब की गई थी, 2008 में। ठीक है, हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड है आपका न्यू दिल्ली में। ठीक है, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। एंड अगर सीईओ की बात करें तो एट प्रेजेंट इसके सीईओ कौन है, कृष्णन, क्या नाम है इनका, कृष्णन रामचंद्रन। नाउ नेक्स्ट इज रिसेंटली इन डिसम्बर इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज मेड KYC नॉर्म्स मैंडेटरी फॉर द परचेज ऑफ ऑल न्यू इंश्योरेंस पॉलिसी स्टार्टिंग फ्रॉम डैश। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका क्या है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, 1 जनवरी 2023 से यहाँ पे मैंडेटरी कर दिया गया था KYC नॉर्म को। सो आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अगर पसंद आई तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।